दोस्तों, इस वीडियो में मैच जो कवर करने वाले आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप का जो कि मैच खेला जाएगा वनडाउ वर्सेस सोमाया का मैच आप देखोगे। तो ये मैच ना अभी स्टार्टिंग है मैच, ऐसे भले ही मैंने फर्स्ट मैच मिस किया हो बट दोनों टीम्स ने एक एक मैचेस खेले, लेकिन इसका मतलब नहीं कि इन्वेस्टमेंट दबा के करना, ऐसा कुछ नहीं। कोशिश करना कि ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करेंगे। बहुत सीरियस ने रिक्वेस्ट किया सारे मैचेस कवर करने के लिए, इसका वीडियो प्रीमियम अपलोडिंग पे लगा हुआ है, खुद से देखो कितना एफर्ट्स डाल रहा हूँ। रात के 10:44 हो रहा है बट वीडियो शूट कर ही जा रहा हूँ। उसके तीसरा भी मैचेस का वीडियो भी दे दूंगा। फिलहाल इस पर फोकस करते हैं, मैच स्टार्ट होने में ज़्यादा टाइम भी नहीं है, हर एक मैच कवर करते हैं। तो फाइन टीम के लिए, फाइनल अपडेट्स के लिए, कंफर्म बैटिंग ऑर्डर के लिए आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पे डेड लाइन से 15 मिनट पहले आपको फाइनल स्पॉनी टीम शेयर कर देता हूँ, ग्रैली टीम शेयर कर देता हूँ। तो टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं क्या प्रेफर करता हूँ, ध्यान से सुनो, मैं कमेंट बॉक्स से एक लिंक पिन कर दूंगा, उससे ना आप ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, उससे ना आप फेक नहीं ज्वाइन करो, उससे ऑफिशियल ज्वाइन करो। तो कमेंट बॉक्स के लिंक से कर लेना, वो लिंक 100% काम करता है, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा, उसके थ्रू भी आप आके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो अगर आपको सर्च करना हो। हालांकि ध्यान रखना, सर्च करने से बहुत सारे फेक चैनल्स आएंगे, लेकिन सर्च करना हो तो सर्च करके भी देख सकते हो। सर्च करना है टेलीग्राम के सर्च वाले जाके एफ इलेवन टीम सर्च करोगे तो आपको एक चैनल देखने को मिलेगा, बिना स्पेस देकर सर्च करना है एफ इलेवन टीम, तो एक चैनल देखने को मिलेगा जहाँ पे करीब 42,500 से ज़्यादा लोग, 42,500 से ज़्यादा लोग है, जहाँ पर लोग डेली विन करें। तो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ध्यान रखें कि फ्रॉड लोगों से दूर रहना है, ऑफिशियल ज्वाइन करें लिंक के थ्रू, लिंक 100% काम करता है। मैं कमेंट बॉक्स लिंक पिन कर दूँगा, 42,500 से ज़्यादा लोग है, पता है, मतलब यार 1% ही मैच नहीं था कवर करने का मन, बट इतना ही रिक्वेस्ट आया था। मैं ना मैं ये सच को जोर से वीडियो प्रीव्यू दूंगा वुमेन मैच, इसके तो अलावा लाइव भी आ जाऊंगा चाहूंगा तो, लेकिन वीडियो प्रीव्यू किसी भी हाल में देनी है। इस मैच पे फोकस करते, देखो पहली बात तो आपको पता है स्टार्ट्स निकालना इम्पॉसिबल है मेरे लिए अभी, अगर मैं स्टार्ट से कले टाइम वेस्ट कर दिया तो मैं ज़्यादा मैचेस कवर नहीं कर पाऊँगा। तो सबसे जो आसान मेथड है इजीली समझने का, वो आप भी समझ जाओगे, आपका भी टाइम वेस्ट नहीं होगा, वो है लास्ट मैच का स्कोर कार्ड। इससे हमें साफ तौर पे पता चल जाता है कि लास्ट मैच में क्या हुआ था एक्चुअल में, जिससे हमें क्लियरिटी मिल जाएगा बैटिंग ऑर्डर में, पावर प्ले में, डेथ ओवर में, इससे हमें पता चल जाता है। और मैं भी अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम दोनों टीम्स का कवर कर रहा हूँ, ठीक है, फर्स्ट मैच इसलिए मिस किया था। तो ये मैच अभी वनडाउ का है, तो सबसे पहले बात करें तो वनडाउ और सोमाया का शायद देखते हैं एक बार, इतना तेज नींद आ रहे ना बता नहीं सकते, लेकिन आपने बोला है डिमांड तो करना पड़ेगा। तो बात करते वनडाउ की टीम, से नलिन निपी को ओपन करते 51 रन इस बंदे ने स्कोर किया था। वनडाउ ठीक ठाक प्लेयर, काफ़ी मतलब कि ऐसे वाले नई टीम है, मैंने पहले भी शायद मैंने कवर कर रखा हूँ, मैं देखा हूँ इनके मैचेस। उसके अलावा ओपन करते जूनियर का टीम से, जूनियर कालू तुप्पो के साथ ओपन करते वनडाउ टीम में कैप्टन प्रतिवी की जो टीम से वन बैटिंग है, पैट्रिक टीम से काफ़ी अच्छे अपनी टीम से, पैट्रिक इंपॉर्टेंट टीम उधर से। उसके अलावा जाहिर आलम फोर्थ है बैटिंग करने वाले इसके विकेट कीपर, एंद्रे मेनेस जो कि फिफ्थ ने बैटिंग करी टीम उधर से। तो इनका बैटिंग ऑर्डर जो सबको याद रखना है, जोसे राव फिफ्थ ने बैटिंग किया था, लेकिन आपको बैटिंग ऑर्डर बस इतना ही याद रखना है, ठीक है, इतना ही आपको बैटिंग ऑर्डर याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है याद रखना। बात करते अब इनके मतलब कि पावर प्ले, तो फर्स्ट पावर प्ले में टीम उधर से स्टेफन ने स्टार्ट किया था, 4 ओवर बॉलिंग पाया था, 2 विकेट ले गए टीम उधर से, 2 विकेट टीम जोसे राव ने भी लिया था, जो कि सीखता है बैटिंग भी करने आया था, 2 विकेट लेके गए इस बंदे ने। उसके अलावा नलिन निपो जो टीम उधर से काफ़ी अच्छे प्लेयर ओपन शायद किया था इस बंदे ने, और 2 ओवर बॉलिंग पाया था, एक मिनट ओपन ही किया था ना, हाँ नैन नलिन निपो जो टीम उधर से ओपन किया था, तो मेरे हिसाब से कवर कर लेना चाहिए। और उसके अलावा टीम उधर सब देखोगे, टीम के कैप्टन पैट्रिक जो कि टीम से शायद वन रन बैटिंग किया था, 3 ओवर बॉलिंग पाया था, 3 विकेट लिया पैट्रिक ने, वन रन बैटिंग किया था ना, वन रन बैटिंग भी किया था, 3 ओवर बॉलिंग पाया, 3 विकेट भी ले गया उसके टीम से। तो ये है इनका लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, जिससे हम देखो पता चले कि पैट्रिक टीम से 3 विकेट लिया था, 3 ओवर बॉलिंग पाया था, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम यार कवर कर रहा हूँ और स्टार्ट से खेलता है इम्पॉसिबल है अभी के लिए, इतनी रात को तेज नींद आ रहा है, कवर करना भी इंपॉर्टेंट है, सुबह सुबह इतना काम हो नहीं पाएगा, तो सोचो रात भर ये सारे काम खत्म करने से मतलब कि आपको वीडियो प्रीव्यू दे दूँ। तो ये है मतलब कि लास्ट मैच का स्कोर कार्ड, जिससे पता चल गया कौन कितने अमाउंट है बॉलिंग करता है। उसके लिए टीम से रिवर सैमसन जो कि टीम से देखो तो 2 विकेट ले गया था 3 ओवर में, तो ये इनका है। बात करते हैं अब मतलब कि क्या है इनका समाओ का, बात करते हैं समाओ की टीम उधर से ओपन करते हैं, एक नई टीम है, कोई ज़्यादा पुरानी टीम नहीं है, सीन क्वार्टर ओपन करते 26 रन स्कोर किए थे, विकेट कीपर उल्ला केसले के साथ ओपन करते 3 चौके लगाया था बंदे टीम उधर से, डॉम मिचेल जो कि वन डाय बैटिंग किया था, एंद्रे मिचेल फोर डाय बैटिंग किया था, उसके टीम से फैरिद जो कि टीम उधर से आया था, ये फिर ना बैटिंग करते। तो ये इनका बैटिंग ऑर्डर जो सबको याद रखना है, बस याद रहना है कैप्टन जो कर रहा है सीन क्वार्टर जो कि कैप्टनसी कर रहा है, ओपन किया था टीम के विकेट कीपर के साथ, कैप्टन ओपन किया था टीम के विकेट कीपर के साथ, वन डाउन डॉम मिचेल जो कि वन डाउन बैटिंग किया था। बात करते पावर प्ले में,
तो फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग किया था टीम उत्तर से सैमसन सोला, टीम उत्तर से फर्स्ट पावर प्ले बॉलिंग किया था, 3 विकेट ले गया। जेम्स वेकर जो टीम उत्तर से 3 ओवर बॉलिंग पाया था, काफ़ी टैलेंटेड है। एंड्रे मिचेल जो टॉप ऑर्डर बैटिंग भी किया था, 0 विकेट पर 3 ओवर बॉलिंग पाया था। उसके अलावा टीम से फिनाओ जो टीम उत्तर से 2 ओवर बॉलिंग पाया था। डॉम मिचेल जो टीम उत्तर से काफ़ी अच्छा प्लेयर, 1 विकेट ले गया टीम उत्तर से 2 ओवर में। तो इनका है पावर प्ले डॉम मिचेल टीम उत्तर से देखोगे तो वार्नर बैटिंग भी किया था टीम उत्तर से, सीन क्वार्टर बॉलिंग नहीं पाया था। एंड्रे मिचेल फोन है बैटिंग भी किया था और टीम उत्तर से 3 ओवर बॉलिंग पाया था। तो इनका है बैटिंग ऑर्डर, इनका है बैटिंग ऑर्डर समाओ का, और ये इनका पावर प्ले देख लो एक बार, जिससे हमें पता चल गया कौन कितना अमाउंट में बॉलिंग करता है। तो इसे कितना समझना इजी हुआ ना, स्टैट्स बताता था 10 घंटे स्टैट्स निकालने में लग गए, आप समझो कुछ नहीं फिर भी कॉपी पेस्ट करोगे, उससे तो अच्छा ही है यार। बाकी ट्रेनिंग पर हैंडल कर लूँगा, 8 बजे मैच है, इस मैच का डेडलाइन है 8 बजे, ठीक है। 7:30 पर आपको ना एक्टिव रहना है आपको, और 7:45 पर डेडलाइन से 15 मिनट पहले फाइनल टीम शेयर कर दूँगा। उसके बाद इस मैच का वीडियो प्रीव्यू 1 नींद पहले ले लूँगा, उसके बाद इन दोनों 3 मैचेस कवर करूँगा। 1 नींद लेने के बाद यार 1% भी लिटरली मन नहीं कर रहा कि वीडियो दूँ, 1% नहीं, पता नहीं कब सो जाओ वीडियो बनाते बनाते, कोई ठीक नहीं। पूरा दिन सुबह उठता हूँ वीडियोस बनाना स्टार्ट कर देता हूँ। बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस से, जो कि वीडियो सबसे मेन पार्ट, लेकिन उससे पहले दोस्तों वीडियो को जूस लाइक कर देना जिससे मोटिवेशन मिलता है, प्लीज़ वीडियो जूस लाइक कर दीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब बेल को ऑन ऑल पर सेट कर दो जिससे आने वाली वीडियो से सबसे पहले को नोटिफिकेशन। बात भी कीपर से थोलॉजिकली समझाऊंगा, वीडियो को आके देखना। पहली बात तो जे आलम जो आपको दिख रहा है ये फोन है बैटिंग किया था, विकेट कीपिंग भी किया था। उसके अलावा यू कैलेज जो टीम ओपन किया था, एब्सोल्यूटो को आप भूल ही जाओ कि एब्सोल्यूटो कोई ज़्यादा बड़ा प्लेयर है। एब्सोल्यूटो को आप देखोगे तो ये कुछ ज़्यादा प्लेयर बड़ा है नहीं। विकेट कीपिंग भी उल्लास कैल था जो कि विकेट कीपिंग भी कर रहा ओपन कर रहा टीम उधर से, तो आप इनको भूल जाइए। जो टॉप पॉइंट दे रखे इन्होंने टीम से 70 पॉइंट स्कोर किए थे, क्योंकि इन्होंने टीम उधर से देखोगे 70 पॉइंट कैसे स्कोर कर लिया। फोर ना बैटिंग किया था बंदे ने, फिर ना बैटिंग किया था, अगर आपको मन कर रहा है तो पिक कर सकते जो कि 44 रन स्कोर किया था। बट जो कैप्टन टीम उधर से विकेट कीपिंग कर रहे हैं उनके साथ जा रहा 8.5 के लिए विकेट कीपिंग भी कर रहा है, उसके लिए जी आलम के साथ भी जा सकते हो। आलम टीम से ठीक ठाक प्लेयर है, मैं यू के लिए सके साथ जा रहा हूँ। उसके अलावा एम एन से जो कि इंपॉर्टेंट टीम उधर से, एक काफ़ी अच्छा प्लेयर टीम उधर से, डे मिचेल इंपॉर्टेंट है बैटिंग उन्हें दोनों कर रहे, 2 ओवर बॉलिंग पाया था टीम उधर से। आज तारी भी ठीक ठाक प्लेयर है बट साइड रखते हैं। एस कोटर कैप्टन उधर से काफ़ी टैलेंटेड है, आपके साथ जाओ, टीम से कैप्टनसी कर रहा है। नीचे देखोगे तो नीचे स्कोल्डर कोई छा ही नहीं सिवाय आर तेरी है, बट टीम से कुछ ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं साइड रखते। उसके अलावा और हाँ बैटिंग और ट्रेलिंग पर मैं शेयर करूँगा, मैं वीडियो शायद अपलोड हो गया है, नहीं अपलोडिंग पर लगाया हुआ है, देख रहे हो कितना एफर्ट्स है यार, ऐसे इन्फ्लुएंसर कोई नहीं बन जाता। उसके अलावा पी मटू बच्चे इंपॉर्टेंट नहीं है, वन उठाओ की टीम से पैट्रिक होगा, ये है ना पैट्रिक ही होगा। पैट्रिक ओपन भी कर रहा है, 4 ओवर बॉलिंग पा रहे हैं। उसके बाद जैस रेस्विक साथ जो टीम से फिर बैटिंग भी कर लेता, अच्छा प्लेयर है। आज 16 के साथ 400 तो टीम से काफ़ी अच्छा प्लेयर, बैटिंग उन्हें दोनों कर लेता है टीम उधर से। सैमन सोला है ना, यहाँ पर सैमन सोला आपको दिख रहा है टीम उधर से देखोगे तो, सैमन सोला सिर्फ बॉलिंग से होप करना सैमन सोला का, देखोगे तो बॉलिंग से इन्होंने सैमन सोला 3 विकेट लिया था बंदे ने, सिर्फ बॉलिंग से होप करना, बैटिंग से होप मत करना, ठीक है। उसके अलावा एन डी पी को जो कि ये भी काफ़ी अच्छे टीम से, आप इनके साथ जा सकते हो, बैटिंग बोली दोनों कर लेते टीम उधर से, आप इनके साथ जा सकते हो। नालिन डी पी को साथ में जाना चाहूँगा, तो 4 ऑलराउंडर से 4 पर फिक कर रहा हूँ, 4 को 4 पिक करके चलेंगे एकदम से। उसके लिए जे बैकर टैलेंटेड प्लेयर टीम उधर से विकेट टेक पे 3 ओवर में 1 विकेट लिया था। डब्ल्यू नलिस भी अच्छा प्लेयर, नीचे देखो स्टाफेन भी अवेलेबल है इंपॉर्टेंट टीम उधर से, 2 विकेट लिया था लास्ट मुझे। आर से मोहन जो कि 2 ओवर विकेट ही लिया था टीम से 3 ओवर में, आप इनके साथ जा सकते हो। टी फिनाओ भी अवेलेबल है, एस टी आई भी अवेलेबल है टीम उधर से, यू साफी भी है। नीचे देखो कुछ खास प्लेयर, तो जो हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन है डब्ल्यू नलिस जो टीम उधर से आप देखोगे तो ठीक ठाक प्लेयर है। आर सैमसन जो टीम उधर से ये भी बॉल नहीं पाया था, विकेट लेके गया था। अगर आप बात करो इनके फिल्म सिंह नलिसा का जो कि टीम से अच्छा प्लेयर, बट मैं प्रीफर नहीं कर रहा 8% उनको ट्राई करें, लोग क्या करते देखो जैसे आए पिक किए टीम बना के सेव करते, बट हम इनके साथ नहीं जाएंगे। डीप फिनाओ भी टीम से ठीक ठाक प्लेयर, डीप फिनाओ 2 ओवर बॉलिंग पाए थे, ये विकेट ले गया था, तो मैं इनको साइड रखता हूँ। एस टी आई भी कुछ खास है नहीं, यूसोफी अच्छा प्लेयर हो सकता है, तो जा सकते यूसोफी 2 ओवर बॉलिंग पाया था टीम से, उल्ली सोफी नाम इनका, ये रहा 2.5 की इकोनॉमी से बॉलिंग कराए थे, तो आप इनके साथ जा सकते हो। मैं फिलहाल के अपनी टीम में जाना चाहूँगा। एक चीज़ मैंने अभी नोटिस किया कि आपको देखें यहाँ पे एंड्रे मिचेल ये बंदा फिर ना बैटिंग करता है, और आपको लग रहा है ड्रॉप करना चाहिए तो डेफिनेट ड्रॉप करके आप ट्राई कर सकते हैं इनकी जगह पे। नीचे देखोगे जैक कैलोपे जो टीम ओपन करते हैं आप इनके साथ जा सकते हो, ओपन करता है बंदा, तो अगर आप रिस्टे करो तो आप इनकी जगह पे ले सकते हो एंड्रे मिचेल की जगह पे। बट एक बहुत लोग कैप्टन इसलिए पिक करके चल रहा, लेकिन जो सच है वो बताया हूँ, बहुत नीचे बैटिंग है, फिर से ना बैटिंग है, तो साइड रख सकते हो, बट मैं पिक किया हूँ ठीक है, क्योंकि वो बहुत लोग सीरीज लेगा।
डब्ल्यू नलिस के साथ जा रहा हूँ, जो कि पूरे चारों बॉल नहीं पाया था लास्ट मैच में, तो वर्ल्ड टीम बच गया। आप चाहते हो आर सैमसन को भी ट्राई कर सकते हो, क्योंकि लेकिन वो बाकी जो जितने भी अवेलेबल है सब दो दो बॉल पाने वाले, बट क्या है कि पूरे चारों बॉल नहीं पाया था विकेट टेकिंग प्लेयर, तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है। डब्ल्यू नलिस अच्छा प्लेयर है, उसे खराब नहीं है। कैप्टन पर हम बात करें तो देखो पैट्रिक सच ऑप्शन है नहीं, और कैप्टनसी कर रहा है बंदा टीम से, वर्नर बैटिंग भी करेगा, पूरे चार ओवर बॉल नहीं पाएगा, तो इन सच ऑप्शन है नहीं। वाइस कैप्टन एस सोली के साथ जा सकते हो, टीम से एक अच्छा प्लेयर है, बट क्या है ना कि टीम से सिर्फ आप बॉलिंग से होप कर सकते हो। जे रसो के साथ आप जा सकते हो, जो कि बैटिंग बॉलिंग दोनों ही कर लेता है। आप देखो तो चार ओवर बॉल नहीं पाया था, दो विकेट लिया था, 4.4 की इकोनॉमी से बॉलिंग किया था टीम से, तो आप इनके साथ भी जा सकते हो। मैं फिलहाल के लिए अपना जाना चाहूँगा, और देखोगे तो ये टॉप ऑर्डर बैटिंग तो नहीं करता, बट ठीक ठाक बैटिंग कर लेता है टीम से, सीधा बैटिंग करता है। रोनाल्ड तारी को तौर पर फिर नहीं करता, क्योंकि वो बहुत नीचे बैटिंग करेगी, ठीक है ना। रोनाल्ड तारी एक ज़्यादा बड़ा प्लेयर नहीं है, तो इसको अपना प्रेफर करना। एस्कोटर अच्छा है, ठीक है, रोनाल्ड तारी को पिक करनी जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सेवन ने बैटिंग करेगा ये, तो साइड रखिएगा। कैप्टन से अपना बात करते हैं, कैप्टन पैट्रिक फिक्स है, वाइस कैप्टन एनी पिको के साथ जा सकते हो, जो कि टीम दस ओपन करता है, नैन रिपी को ओपन भी करता है, और टीम दस देखोगे तो एक टीम दस दो ओवर बॉल नहीं पाता था, ये भी काफ़ी सी सी बी सी के लिए अपने साथ भी कैप्टन जा सकते हो। वाइस कैप्टन में फिलहाल ये जाना चाहूँगा, एस्कोटर भी अवेलेबल है, निपिको भी अवेलेबल है। मैं निपिको के साथ जो टीम तरफ से बॉलिंग ही पाए थे, उसके स्टेफन भी अवेलेबल है, जे बेकर भी अवेलेबल है, और डी मिचेल जो कि टीम तरफ से बैटिंग बॉल दोनों करते हैं, कैप्टनसी का तो अपने साथ भी जा सकते हैं, टीम तरफ से अच्छा प्लेयर है, तो ओवरऑल मेरी टीम बन चुकी है, ठीक है। एंड्रे मेसलिफ इतना बैटिंग है तो आप चाहते इसको ड्रॉप कर सकते हो, तो ओवरऑल जो मेरी टीम बनी है वो काफ़ी एक सेफ टीम है, दोनों ओपन करेंगे, वनडर बैटिंग है टीम तरफ से, आपको बता चुका हो। और जो विकेट कीपर है, इन्हें तो सिलेक्शन ना के बराबर है, बट मैं इनको पिक किया हो किसी वजह से, ये ना उस बाकी मैचेस से तो अच्छा ही मैच मुझे लग रहा है। तो अभी सेम टी के साथ जाओ, अमाउंट अभी इन्वेस्टमेंट करने मिलते टेलियाँ पैक्टिव ना, सेम टी के साथ जाओ आप स्मॉल में फोकस करना है, ग्रैली पर उतना टारगेट करने की कोशिश, या फिर ना के बराबर इन्वेस्टमेंट करना, बट जो टीम कॉम्बिनेशन है ओवरऑल बड़ी मस्त टीम बनी है, पर से बोल रहा हूँ। आप जे रस्सी को ट्राई करो, से भी पूरे चार ओवर बॉलिंग पाते हैं, बट निपी को दो ओवर बॉलिंग पाते, सर ध्यान रखिएगा। चार ओवर के लिए जे रस्सी अगर हिटिंग बैटिंग बोली दूरी चाहिए, तो मैं हो सकता है फाइनल टीम में जे रेसो के साथ अपना वाइस कैप्टन जाओ, ऐसा बहुत चांसेस है। उसके अलावा 16 को तो अब साइड रखिए, 16 को ज़्यादा प्लेयर प्लेयर है नहीं। उसके अलावा टीम में चल अच्छा है सी बी सी के लिए, और टीम के विकेट कीपर आप इनको भी ट्राई कर सकते हो सी बी सी। उसके अलावा टीम से डब्ल्यू नलिस को ट्राई कर सकते हो, सेम टीम के साथ अभी अमाउंट जाओ इन्वेस्टमेंट करने, ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने की जरूरत नहीं है, सेम टीम से अमाउंट इन्वेस्ट कर दो। मिलते टेलियम पे 8 बजे, मैच का डेडलाइन है 7:45 मिनट, फाइनल टीम सिर्फ कर दो डेडलाइन 15 मिनट पहले, हर एक मैच कवर करते हैं, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं कमेंट उस लिंक पिन कर दिया हूँ, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रहा हो, तो आप उसके थ्रू टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना, बैटिंग ऑर्डर वगैरह जो अपडेट्स है टेलीग्राम पे सबसे पहले इन्फॉर्म कर दो। तो टेलीग्राम पैक लेना, 42,500 से ज़्यादा लोग, तो मैं कमेंट उस लिंक पिन कर दो, कोई डाउट हो तो चेक कमेंट करना, ठीक है, कोई डाउट तो कमेंट करना।